हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द वेब। सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट देखो, एक कनेक्शन है बिटवीन द कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, आप अपने घर पे बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात कैसे कर पा रहे हैं? हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? ये इंटरनेट की वजह से कर रहे हैं। सो इंटरनेट, just as you have a computer, there are billions of other people all over the world who have one too. These computers are connected in a network. Mera aur aapka computer ek connection mein bandha hua hai. Internet ki wajah se wo ek connection usko mila hua hai. To share resources and information. Jaise main aapko PDF files, aapko notes bhej sakti hu. That is to share the resources and information. So this is called the internet. Now, the internet is used to send emails. हम emails भेज सकते हैं लोगों को. We can chat with them. हम chat कर सकते हैं अपने friends के साथ और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Games खेल सकते हैं. And this happens when the computers are connected. मतलब जब हमारे computers एक connection में होंगे, हमारे computers में internet connection होगा, तभी ये सब possible है. ठीक है? Have you ever wondered who answers all your questions when you ask something on Google? जब आप Google पे कुछ भी पूछते हो तो कौन आपका आंसर देते हैं? कोई मैजिक थोड़ी है, कोई जादूगर थोड़ी ना बैठा हुआ पीछे जो आपके आंसर्स दे रहे हैं? नहीं. तो जब भी हम कुछ पूछते हैं तो क्या होता है देखते हैं. अभी देखो, अभी मैंने लिखा हाउ डू यू बेक अ केक स्टेप बाई स्टेप. तो ये देखो क्या रिजल्ट आ गए. स्टेप वन, स्टेप टू, ये सब रिजल्ट आ गए हैं, है ना? तो ये सब क्या है कि गूगल हमें आंसर्स दे रहा है. ये देखो, अब ये एक वेबसाइट है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो वो पूरी वेबसाइट खुल जाएगी. व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन, देयर अपीयर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, पेजेस और वेबसाइट्स दैट हैव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. दीज आर क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय अदर पीपल कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट. जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई जादू नहीं है, ये सब चीजें लोगों ने ही इंटरनेट पे डाली हुई है. लोग जो है अपने वेबसाइट्स बनाते हैं, वहां पे वो ये सब चीजें डालते रहते हैं. वो केक की रेसिपी लिख देते हैं, उधर उधर अपनी वीडियोस डाल देते हैं खाना बनाते हुए की. तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, लोग ही डाल रहे हैं इंटरनेट पे. ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है. WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट. देखो, इंटरनेट तो है एक जैसे कनेक्शन है हमारा. अब ये इंटरनेट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. हम गेम्स खेल सकते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं और लोगों से चैट कर सकते हैं. तो वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट का पार्ट ही है. वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, हमें वेबसाइट्स और वेब पेजेस शो करता है. द वेब डिस्प्लेज वेब पेजेस. दीज वेब पेजेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ वेबसाइट. तो वेबसाइट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. हम देखते हैं अभी क्या है वेबसाइट और वेब पेजेस. ये देखो, अभी मैंने अपने स्कूल की एक वेबसाइट खोली है जिसका नाम है MGNPSJAL. ये मेरी वेबसाइट है एक स्कूल की. ठीक है, और ये एक पेज है उस वेबसाइट का, उस MGN स्कूल का जो वेबसाइट है ये उसका एक पेज है जिसमें मैं लेटेस्ट अपडेट्स देख पा रही हूँ अपने स्कूल की. अब ये एक और पेज है उसी वेबसाइट, मेरी MGN स्कूल की वेबसाइट का ये एक और पेज है जो क्या शो कर रहा है, स्कूल टाइमिंग शो कर रहा है. सो वेबसाइट एक ही है MGN की, ठीक है, बट दो अलग अलग पेजेस शो हो रहे हैं. एक स्कूल टाइमिंग्स दिखा रहा है मुझे और एक क्या अपडेट्स दिखा रहा है. ऐसे ही इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं. ये देखो, प्री प्राइमरी विंग का पेज है, सीनियर सेकेंडरी विंग का पेज है, स्कूल टाइमिंग्स, होस्टल, टूर्स एंड एक्सकर्शंस, हाउस सिस्टम्स, न्यू एडमिशन, स्कूल डायरी, एग्जामिनेशंस. आप इन पे जब क्लिक करोगे तो हम अलग अलग पेजेस देख सकते हैं इस वेबसाइट की. ठीक है, सो हाउ डज द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क, ये कैसे काम करता है. दीज वेबसाइट्स आर मेड अवेलेबल थ्रू द लिंक्स. देखो, WWW का क्या काम है, हमें वेबसाइट्स दिखाना. अब हम वेबसाइट्स कैसे खोलते हैं.
जब भी हम ऐसे किसी भी लिंक को, ये देखो ऐसे कुछ आता है जब हम सर्च करते हैं, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो हमें ये उस वेबसाइट पे ले जाता है ना। तो वो कहाँ पे लेके जाता है, एक उसका एड्रेस होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो वहां पे लेके जाता है। जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं अपने, मेरे घर का एक एड्रेस है, अगर किसी को मेरे पास आना है तो उसको मेरे एड्रेस पे आना पड़ेगा, राइट। वैसे ही अगर मुझे किसी वेबसाइट के पास जाना है तो मुझे उसके एड्रेस या फिर उसके लिंक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। सो द वेबसाइट्स आर मेड अवेलेबल थ्रू द लिंक्स, और इन लिंक्स को हम URL भी कह देते हैं। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। When you search something on Google, you are shown a list of related results that are actually the links to the actual website that contains the web page which has the answer to your question. इसका क्या मतलब है? जब भी हम कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हमें शो होती हैं जिन पे हम क्लिक कर सकते हैं। और जब हम एक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो वेबसाइट रहती है, जहां पे वो वेबसाइट प्रेजेंट है, हम उस लिंक या उसके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज गूगल, गूगल है क्या? गूगल भी एक वेबसाइट है, पर एक स्पेशल तरह की वेबसाइट है। हम इसको सर्च इंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे अपने आंसर सर्च कर सकते हैं, है ना। तो गूगल इज कॉल्ड अ सर्च इंजन। देखो एक तो होती है नॉर्मल वेबसाइट, जैसे मेरी थी स्कूल की वेबसाइट, ठीक है, उसमें हम अपने स्कूल का सब कुछ देख सकते हैं। अब एक गूगल है अलग तरह की वेबसाइट, गूगल पे मैं कुछ भी सर्च करूंगी मुझे और वेबसाइट शो होंगी, बट मेरे MGN की जो वेबसाइट थी उसमें मुझे और वेबसाइट शो नहीं हो रही थी। बट ऑन गूगल व्हेनेवर आई आस्क अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि केक कैसे बनाते हैं, तो मुझे इतनी सारी वेबसाइट शो हो गई, मैं किसी भी वेबसाइट पे जा सकती हूँ, ठीक है। सो गूगल इज ऑल्सो अ वेबसाइट, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट कॉल्ड द सर्च इंजन, बिकॉज इट सर्चेस फॉर द आंसर्स टू योर queries on the internet and shows you the results that are most related to what you searched for, okay? So, और कौन से ऐसे सर्च इंजन्स हैं? याहू है, बिंग है, डकडकगो है, बाइडू है, यैंडेक्स है, ask.com है, okay? Now, what is a browser? Browser क्या है? अब ये देखो, ये तो थी एक वेबसाइट गूगल। अब ये हम वेबसाइट खोलेंगे कैसे, हमें कैसे दिखेगी ये वेबसाइट? उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, वहां पे अब हम सर्च करेंगे कुछ। जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च किया, ये देखो मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च किया, और एक और भी ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अगर हम इनमें से कुछ भी खोलेंगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम अपनी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो क्या है ब्राउजर? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है जिसको खोल के हम अपनी वेबसाइट्स या कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ब्राउजर हमारे पास होगा तभी हम वेबसाइट्स खोल पाएंगे, ठीक है। सो अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू व्यू वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। द ब्राउजर हेल्प्स यू टू सर्व द वेब, मतलब हम ब्राउजर खोलने के बाद ही वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, मतलब उनको लोड कर सकते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है। सो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन एनी लिंक दैट द सर्च इंजन डिस्प्लेस, मतलब जब जैसे हमने गूगल पे सर्च किया और हमें रिजल्ट्स मिले, तो अब हम किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे, देन दिस लिंक एक्ट्स एज एन एड्रेस टू द कंप्यूटर दैट हैज शेयर्ड द वेबसाइट। वो लिंक जो है वेबसाइट का एक्ट कैसे करता है, एक एड्रेस टू द कंप्यूटर, ठीक है। द ब्राउजर देन फाइंड्स एंड रिक्वेस्ट द कंप्यूटर टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर पेज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो ब्राउजर क्या करता है, वो हमें डिस्प्ले कर देता है हमारी स्क्रीन पे वो वेबसाइट को, ठीक है। ब्राउजर के थ्रू ही हम सब कुछ ये देख पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमें ये वेबसाइट दिखेंगी कैसे? ब्राउजर खोलेंगे तो ही हमें ये वेबसाइट्स दिखेंगी, ओके चिल्ड्रन। सो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ ब्राउजर्स? क्रोम,
मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.